वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इनफैक्ट आई एम ऑफिशिएटिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो चेयरमैन स्टिल इन द माइनॉरिटीज कमीशन. तेलंगाना राज्य का 3 दिन का दौरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तय किया था. आज दूसरा दिन है. कल चीफ सेक्रेटरी और संबंधित अधिकारियों के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ कल एक मीटिंग हुई. उसके बाद यहाँ की गवर्नर महोदया से मुलाकात हुई. यहाँ के 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनकी जो समस्याएं हमने सुनी और जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनसे गवर्नर महोदया को अवगत कराया. आज यहाँ के गृह मंत्री श्री महमूद अली जी से पहले मुलाकात हुई और उसके बाद यहाँ हज हाउस में, इस भवन में मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब और वक्फ बोर्ड के सीईओ और तमाम मेम्बरान के साथ यहाँ के जो वक्फ बोर्ड की कारगुजारियाँ हैं और यहाँ की जो हज कमेटी की आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उनको लेकर एक समीक्षा बैठक आज हमारी संपन्न हुई है, जिसमें दोनों महकमों के सीईओ यहाँ पर उपस्थित रहे. जो कारगुजारी यहाँ चेक करी, उसमें हमारे साथ सेंट्रल वक्फ काउंसिल के ऑनरेबल मेंबर श्री हनीफ अली साहब मौजूद रहे, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के जॉइंट सेक्रेटरी डेनियल रिचर्ड, डायरेक्टर धनलक्ष्मी जी मौजूद रहे. मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वक्फ बोर्ड का डिजिटलाइजेशन का काम लगभग मुकम्मल हो चुका है. 96% यहाँ का मुकम्मल हो चुका है. यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हमने बहुत सारी चर्चा करी. एनक्रोचमेंट पर कैसे रोक लगनी चाहिए, इस पर भी हमने बहुत सारी चर्चा करी. वो प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिफाई करी हैं कि जिन प्रॉपर्टीज में एनक्रोचमेंट है, वक्फ बोर्ड बेहतर तरीके से किस तरीके से इसको, जिस मकसद के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, उसको इस्तेमाल करें, उस पर बहुत सारी चर्चाएं करी हैं हमने. बहुत सारे पॉजिटिव एजेंडे के साथ ये मीटिंग हमारी कंक्लूड हुई है और इस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस विश्वास को अर्जित करने के लिए वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ, हज कमेटी एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार इस बात के लिए बहुत लगन से, बहुत ईमानदारी से लगातार प्रयास कर रही है कि वक्फ की संपत्तियों का एनक्रोचमेंट खत्म हो जाए, वक्फ की संपत्तियों पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएं. हमने तेलंगाना राज्य के चेयरमैन सलीम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि आप नवाडको के माध्यम से वक्फ की संपत्तियां बताएं, उन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ कोई नया प्रोजेक्ट जिससे वहाँ की इनकम बढ़ाई जा सके, जितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हो वो शुरू करें. सेंट्रल माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में जियो मैपिंग और जीपीएस मैपिंग का काम जो कर रही है, वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है. किन्हीं कारणों से, कोरोना काल की वजह से अभी वो बीच में रुक गया है. आज की बैठक में यह तय हुआ है कि बहुत जल्द वो काम दोबारा से शुरू हो जाएगा. उस काम के लिए 100% जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय दे रहा है और तेलंगाना को भी वो लगातार दे रहा है. हज कमेटी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई. उसमें जो एक सबसे ज़्यादा वेलकमिंग बात है वो ये है कि इस बार कोरोना की वजह से देश भर में 10 केवल एम्बार्केशन पॉइंट रहेंगे. मैं तेलंगाना के लोगों को ये मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन 10 में से एक हैदराबाद भी रहे. और भी हज कमेटी की आवश्यकता और ज़रूरतों को लेके, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों से संबंधित है, हमने आवश्यक बिंदुओं को नोट कर लिया है और यथाशीघ्र संबंधित सरकारों को उसके लिए डायरेक्शन देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. स्टेट गवर्नमेंट का काम है. स्टेट गवर्नमेंट फॉरन लीगल एक्शन ले रही है. दंगाइयों के खिलाफ कानून सख्त है, ऑलरेडी कानून बहुत सख्त है, उन पर पूरा एक्शन हो रहा है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, कार्यवाही हो रही है.
किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।